दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्निकल असिस्ट नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट तकनीक सहायक एग्रीकल्चर का ये पेपर है। इस पे पहले इस चैनल पे डाला हुआ है, लेकिन दोबारा से इसको डाला गया है कि पहले क्या है कि इसमें इमेज थे जो वीडियो के वो साफ़ नहीं थे या वीडियो साफ़ नहीं था, तो कुछ भाइयों ने जिन्होंने देखा था उन्होंने रिव्यू में लिखा था कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअल में मैंने देखा दोबारा वीडियो तो बिल्कुल ही साफ़ नहीं था, तो दोबारा वीडियो डालने का यही मकसद है कि पहला साफ़ नहीं है। और फिर दोबारा से आपको बता दूं कि तकनीकी सहायक जो ये पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक एवरी क्वेश्चन इज 4 नंबर एंड जो टाइम है इसमें 2 घंटे दिया गया है 120 मिनट। और ये जो पेपर आपके सामने ये जो पेश किया जा रहा है इस टाइम, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई थी। ये 22 जुलाई 2018 को आयोजित करवाई गई थी, उसका पेपर है और ये तो उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कई यूपीएससी के हैं जो देखेंगे पेपर वो कहेंगे कि ये सिलेबस गलत है, तो भाई ये सिलेबस सही है, राजस्थान का है, ये कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा करवाया गया है। अब जो यूपीएससी के हैं उसमें क्या है कि मैथ रीजनिंग और जीएस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनको उन्होंने पहले कमेंटमेंट किया था कि ये पेपर नहीं है। तो चलिए देखते हैं पेपर, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं देश के कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में चावल की खेती की जाती है, तो इसका आंसर होगा 4th D 44 मिलियन हेक्टेयर में। अब इसमें क्या है कि जो राउंड फिगर किए हुए हैं ये जो गोल हो रहे हैं उनका ही सही माने आप। दूसरा क्वेश्चन, प्रोफेसर इनगो पोट्रिकस एवं प्रोफेसर बेयर ने विकसित किया गोल्डन राइस, सेकंड सही है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संकर धान की किस्म किस वर्ष में विकसित गई, 1994 बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन, मक्का के बीज में तेल की मात्रा पाई जाती है 5%, ए सही है। फ्लिंट कॉर्न का वानस्पतिक नाम है तो जिया मेज इंडुरेटा, ये थर्ड सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हल्की मृदाओं में उगाई गई कपास में बैड बॉल ओपनिंग टीरक डिजीज़ की कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो हल्की मृदा होती है ना उसमें बैड बॉल ओपनिंग क्या है कि वो जो उनके बॉल है वो तो उस सही तरीके से एक तरीके से मतलब कि खिल नहीं पाता है, एक तरीके से पूरा खुलता नहीं है सही तरीके से, तिरछा खुलता है एक जगह से ऐसा होता है, या उसकी जो कॉटन की जो रुई है वो सही जगह से सही नहीं हो पाती है, तो नाइट्रोजन कमी से होता है। और जो हल्की मृदाएँ होती हैं उनमें ये समस्या पाई जाती है। वजन के आधार पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 23.14। 8th क्वेश्चन, मौसम के लिए मध्य अवधि की भविष्यवाणी कितने समय के लिए की जाती है, 3 से 10, और जो बिल्कुल ही कम समय के लिए किया जाता है वो आपको पता है 72 घंटे के लिए की जाती है, वो तो 1 से 3 72 हो गया, और जो लंबी अवधि की जाती है वो ज़्यादा होती है तो मध्यम की होती है 3 से 10, मीडियम फॉरकास्टिंग ऑफ। 9th क्वेश्चन, भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसके द्वारा विभाजित किया गया है, तो अब इसका भी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से ICAR ने अलग बांट रखे हैं और NBBS LUB ने अलग बांट रखे हैं, कमीशन प्लानिंग योजना आयोग ने अलग बांट रखे हैं, और NATP नेशनल एग्रीकल्चर NARP है सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उन्होंने अलग तरीके से बांट रखे हैं, लेकिन जो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांट रखा है वो कमीशन प्लानिंग ने बांट रखा है। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए किसी भी दिन कितने mm से ज़्यादा वर्षा होती है तो उस दिन को वर्षा दिवस कहा जाता है, तो 2.5 mm से ज़्यादा अगर जो वर्षा होती है तो उसको वर्षा दिवस कहा जाता है। टेंसियोमीटर
कौन सी मृदाओं के लिए उपयुक्त है, तो बलुई मृदाओं के लिए उपयुक्त है और जो मृतिका या किले हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है। टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर से नमी मॉइस्चर मापते हैं। तो इसके लिए आंसर ए राइट होगा, 30 सेंटीमीटर तलैय जल। 17वां क्वेश्चन, मृदा कार्बनिक कोलाइड्स का उदाहरण है, तो ह्यूमस है। 18वां मृदा संरूपण कारकों की क्रिया से प्राप्त मृदा को कहते हैं, तो इसको सबसोइल तो नहीं कहेंगे, इसका सोलम होगा। 18वां का 19वां क्वेश्चन, उभय प्रतिरोधन का संदर्भ है, पीएच बदलाव में प्रतिरोध और मृदा प्रतिरोधन क्षमता निम्न पर आधारित है, तो इसका होगा डी, सीईसी, ऑर्गेनिक मैटर, क्ले कंटेंट एंड टाइप, डी होगा 19वां का। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मृदा वायु को मापते हैं ओडीआर, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ओडीआर के द्वारा मृदा वायु जो सोइल एरिएशन है इसको मापते हैं, टेंसियोमीटर के द्वारा नमी को मापते हैं, जिप्सम ब्लॉक है ये भी नमी मापने का है, जिप्सम ब्लॉक होता है जो। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधों को मृदा प्राप्त जल भी हैं जो कि उपलब्ध होता है, जो जल उपलब्ध होता है अवेलेबल वाटर की इसकी रेंज है, तो ये 1/3 से 15 बार के मध्य होता है, थर्ड सही है इसका। इसके मैं 22वें क्वेश्चन में माइकोराइजा का सहवास मतलब जो संबंध होता है वो क्या होता है, उसका सिम्बायोटिक सहजीवी होते हैं। 1 न्यूक्लियोड में पेंटोसर करा के किस कार्बन से फास्फेट जुड़ता है, तो C5D सही है इसमें 23वें में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 24वें, निम्नलिखित में से सम बहुशर्करा कौन सा है, तो सेल्यूलोज बहुशर्करा है और ये सिंगल है, और जो दूध में पाई जाती है वो भी बहुशर्करा है। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं, वसी अम्लों व कोलेस्ट्रॉल के जैविक संश्लेषण के प्रारंभीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संबंधित है, तो विटामिन B5। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उत्तक संवर्धन द्वारा पूर्ण पादप का पुनरुद्भवन करना कहलाता है सूक्ष्म परिवर्धन, जो इसमें क्या है कि रीजनरेशन ऑफ प्लांट थ्रो टिश्यू, ये टिश्यू कल्चर के द्वारा जो पौधे उत्पन्न करना माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। मतकुणाकार मुखांग में स्टाइलेट्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ स्टाइलेट फाउंड इन बग टाइप ऑफ माउस पार्ट, तो इसमें 4 होते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, रोमदार सृंगिकाएं पाई जाती हैं, ये नर मच्छर में पाई जाती है। 29वां क्वेश्चन, मिडगट का मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन एवं अवशोषण, ये एंटोमोलॉजी के हैं। रेशम कीट का सुंडी काल होता है 30 से 35 दिन का होता है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, एकल भक्षी कीट है बैंगन का फल भेदक ब्रेंजल फूट बोरर, वो एकल भक्षी मोनोफोगस होता है, फेगस होता है, और दीमक तो आपको पता है पॉलीफेगस है। 18वां अनाज का पतंगा का वैज्ञानिक नाम है ग्रेन मोथ, ग्रेन मोथ का साइटोट्रोगस सिरेला। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना के विभिन्न प्रकार के तना भेदक कीटों के जैव नियंत्रण के लिए उपयोग होने वाली ट्राइकोग्रामा किलोनिस की संख्या है 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं उसको बायो कंट्रोल के रूप में। 34वां क्वेश्चन, बहुत अधिक विषैले कीटनाशकों के कंटेनर अथवा लेबल पर बने तिकोने का रंग होता है, तो लाल होता है, ये जो टॉक्सिसिटी होती है उसके आधार पर होते हैं, शायद एक ग्रीन होता है जो कि बहुत ही जहरीला बहुत कम होता है एक तरीके से, होता है हल्का होता है, और फिर येलो होता है, उसके बाद रेड होता है। 35वां क्वेश्चन, मधुमक्खी की विदेशी जाति एपिस मेलिफेरा,
31वां क्वेश्चन, फल मक्खी के विरुद्ध प्रलोभक पदार्थ में प्रयोग होने वाले रसायन, यानी कि जो फ्रूट फ्लाई है तो उसके लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो क्या हो, तो मिथाइल यूजिनोल यूज करते हैं उसके लिए। 37वां क्वेश्चन, नींबू का टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेंस निमेटोड है तो सेमी एंडोपेरासाइटिक जो ये हानि पहुंचाता है किस आधार पर पहुंचाता है, यानी कि एक तो होता है अंदर रहकर पहुंचाता है, एक बाहर रहकर पहुंचाता है, कि अंदर बाहर दोनों ही जगह रहकर पहुंचाता है, कभी कभी अंदर भी लेता है बाहर, तो उस हिसाब से पूछा है कि ये किस तरह का है, तो सेमी एंडोपेरासाइटिक है। 38वां, प्रेटिलेंकस प्रजाति को कहा जाता है धब्बा निमेटोड, इस लेजन निमेटोड, और गेहूं का अनावृत कंडवा रोग है, ये मोस्ट है एक तरीके से इसका और धान के खैरा रोग का ज़्यादातर एग्जाम में आ जाते हैं। तो गेहूं का अनावृत कंडवा रोग है अंतःबीजोड, यानी कि इंटरनली सीड बोर्न, 1743 में खोजा जाने वाला प्रथम सूत्रकर्मी था इम्यूनाटेट्रिसाई। 41वां क्वेश्चन है, मूंगफली का पछेती झुलसा अथवा टिक का बीमारी होती है सर्कोस्पोरा परसोनाटा से। आलू एवं टमाटर का पछेती झुलसा रोग होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेनस। अनाज के कीट का कौन सा जीवाणु दोहरा बीजाणु कहलाता है यूरिडियोस्पोर। सब्जियों में जड़ गांठ बीमारी होती है मेलोडोगाइनी प्रजाति के द्वारा। पथरीला फल में पीड़ा युक्त मुकुट बीमारी किसके द्वारा होती है क्राउन गाल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। 46वां, सरसों कुल का सफेद रोली रोग होता है एल्बुगो कैंडिडो द्वारा। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सफल समागम है पिन इंटू थ्रोम। 48वां, द्विगुणित जीव जिसका एक क्रोमोसोम जोड़ा नहीं हो को कहते हैं नल्लीसोम। 21वां, किस प्रकार का संकर उज व्यावसायिक रूप से उपयोगी होता है मानक स्टैंडर्ड। 50वां क्वेश्चन, फसलों के प्राथमिक उद्गम केंद्र का विचार NIVVLON द्वारा दिया गया। एन जीनोटाइप के संकरण से संपूर्ण डाई एलील पद्धति में कितने संकरण बनेंगे N(N-1) 52। F2PD में दो जीनों वाले संकरण में लक्षण प्रारूप फेनोटाइप की आवृत्ति होगी 9:3:3:1। ए सही है इसमें। एक पौधे के फूल से परागकणों को दूसरे पौधे की वर्तकों तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बी सही है। शुद्ध वंश क्रम वर्ण विधि का प्रयोग कर सकते हैं स्वपरागित फसलों में कर सकते हैं। 55वां क्वेश्चन, निकटवर्ती आइसोजेनिक लाइन को आसानी से बनाया जा सकता है बैक क्रॉस के द्वारा बनाया जा सकता है। 56, म्यूटाजन प्रयोग की उचित मात्रा है LD 50 के समीप। बी सही है इसमें। 57वां, बगीचा लगाने किस विधि में सामान्य वर्गाकार विधि की तुलना में लगभग दो गुने पौधे लगाए जा सकते हैं किंकस विधि में। 58वां, दुर्गापुरा लोकल किस सब्जी फसल की एक किस्म है तो ग्वार की फली की है। 59वां क्वेश्चन, पिंजोर बाग किस पद्धति का बाग है फॉर्मल पद्धति का बाग है। गोभी वर्गीय सब्जियों में बोरोन की कमी के कारण तने का खोखला होलर्ट। फल से कौन सा प्रसंस्कृत पदार्थ बनाने में पेक्टिन सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है जेली के लिए जो पेक्टिन है वो बहुत ही आवश्यक है। 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में उकटा रोग एक प्रमुख बीमारी है अमरूद में। उकटा विल्ट एक तरीके से देखिए जो नमी वाले क्षेत्र हैं उनमें होती है, और बेर अनार और खजूर को तो आप नमी यानी कि उसमें रखते ही नहीं है तो इतना प्रॉब्लम उगाते ही कम है इतना होता नहीं, तो अमरूद ही आएगा। 63, एक परिपक्व आम के फल का मिठास स्तर TSS क्या होता है मोस्ट पर्सन। 63वां, तो 10 ब्रिक्स होता है वो एक मिठास का स्तर होता है।
डी सही है 63 में। 64 राजस्थान में बेर के कलिकायन के लिए सबसे सही महीना क्या है, तो इसके लिए जुलाई से सितंबर तक कलिकायन कर सकते हैं अपन। 65वां क्वेश्चन, मैटजूल निम्न फलों में से किसकी एक प्रजाति है, तो खजूर की है, ऐसे ही है। पत्ता गोभी की अगेती किस्मों का प्रति हेक्टेयर के लिए बीज दर है, तो अगेती के लिए 500 ग्राम है, बी सही है इसमें। 67वां क्वेश्चन, कोचिया किस मौसम का एक प्रमुख शाकीय शोभाकारी पौधा है, गर्मी का है कोचिया। 68 खजूर के फल विकास की किस अवस्था को डंग कहा जाता है, तो इस जब पूरा फल मुलायम हो जाता है उस अब जो खजूर की जो परिपक्व होने की अवस्था है लगने की, उसमें चार स्टेज होती है, उसमें डोका है, रूतम है, पिंड है, डंग है, तो ये उस हिसाब से पूछा है। कभी ये पूछ लेते हैं राजस्थान में या भारत में किस अवस्था में तोड़ा जाता है। 69 मूल रोमों का बढ़ना तथा उनका मिट्टी से होकर भेदन निर्भर करता है, स्फीति दाब पर टर्गर प्रेशर होता है उस पर निर्भर करता है। 70 प्रकाश के किस भाग में क्लोरोफिल ए मजबूत अवशोषण दिखाता है, तो लाल और नीला, रेड एंड ब्लू लाइट है उसमें प्रकाश का जो अवशोषण है वो सबसे अधिक होता है। 71 बीजों में बसंतीकरण की जगह होती है प्रांकुर व मूलांकुर, प्लूमल और रेडिकल होते हैं उनको ही क्या है बसंतीकरण वर्नलाइजेशन की साइट होती है, जगह होती है उसी से होती है। 72 पत्तियों के विगलन में एफसीसी कमल का निम्न से कार्य, विगलन में एथिलीन की सहायता, एथिलीन की एफसीसी कमल का निर्माण होगा और वो उसमें एथिलीन की मात्रा बढ़ाएगा और पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे और एफसीसी के एक तरीके से जीर्णता पौधे में लाता है। एनिमल हस्बेंड्री के आगे हैं क्वेश्चन। 73 मू FMD जो उसका कारक है ये विषाणु के द्वारा होता है। 74 अंडे देने वाली मुर्गियों के आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 18-20% होनी चाहिए, सी सही है। दुधारू गायों को दूध की मात्रा के आधार पर अतिरिक्त दाना मिश्रण दिया जा सकता है 1 किलोग्राम प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर। 76वां क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे से कितने दिनों बाद बच्चा निकलता है, 21 दिन बाद। 77 में सर्वोत्तम मांस उत्पादन वाली नस्ल निम्न में से कौन सी है, कॉर्निश, भी सही है इसमें। गायों में गर्भकाल की औसत अवधि होती है 283, सी सही है। दुधारू गोवंश की शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है 2-2.5% शारीरिक भार का, ए सही है। 80 क्वेश्चन, गिर और जर्सी के संगम को कहते हैं, ये इनका जो संकरण कराएंगे तो इनको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग है, आउट क्रॉसिंग अलग है, ग्रेडिंग अप अलग है। अब ग्रेडिंग अप क्या होता है, ग्रेडिंग अप का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादातर इसी का भी। तो ग्रेडिंग अप ये होता है कि जो कोई भी पशु है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसकी ब्रीड अपन को पता नहीं है कौन सी ब्रीड का है, और उसको किसी जानी पहचानी ब्रीड से उसका संकरण कराया जाता है तो उसको ग्रेडिंग अप कहते हैं। यानी कि एक का तो अस्तित्व नहीं है और दूसरी को अपन जानते हैं, कोई भी जैसे एक का तो कुछ भी अपन ब्रीड का पता नहीं है और दूसरा उसका गिर से करवा देते हैं तो उसका 6-7 पीढ़ियों तक करवाते रहते हैं, तो उससे क्या है कि उसके जो गिर के लक्षण है वो उसमें आ जाते हैं, तो उसका एक फिर फिक्स हो जाता है कि भाई गिर के लक्षण इसमें आ गए तो उसको उसका स्टेज बढ़ जाता है एक तरीके से, तो इसको ग्रेडिंग अप कहते हैं। 81वां क्वेश्चन, एक गाय को आच्छादित आवास में कितने स्थान की आवश्यकता होती है, 20-30 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। 82वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवयव दाना मिश्रण में प्रोटीन संपूरक के रूप में काम आता है, मूंगफली की खली। अब क्या है कि इसमें अपन जो ज्वार चावल चापड़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रोटीन का पूछा है तो प्रोटीन इसी में ज़्यादा होता है मूंगफली खल में। यदि सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस टाइम।
यदि औसतन उत्पादन गिरता है तो सीमांत उत्पादन औसतन उत्पादन से कम होता है। 85 वस्तुएं जिनकी दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में आवश्यकताएँ रखती हैं ड्राइव डिमांड कहलाती है। 86वां क्वेश्चन बाजार एक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता संतुष्टि होती है। सी सही है। 87 निम्न में से कौन सा सूत्र संबंधित सूत्र शुद्ध संपत्ति निर्धारण करता है। नेटवर्थ को कौन सा तो शुद्ध संपत्ति बराबर संपत्ति माइनस देनदारियां ये सही है। 88 प्रसार शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी भी सही है। 89 देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 पांडिचेरी सी सही है। 90 ट्राइसन कार्यक्रम की शुरुआत ट्राइसम की शुरुआत 1979 में हुई थी। 79 डी सही है। 91 समाजशास्त्र का जनक फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। 92 क्वेश्चन कृषि साहित्य का एक उदाहरण है फोल्डर। कम्युनिकेशन की सब की उत्पत्ति हुई है कम्युनिस्ट से हुई है। भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 95 भावनाओं का प्रकटीकरण जिधर हमारे प्रयास केंद्रित होते हैं ऑब्जेक्टिव कहलाता है बी सही है। 96 सीखने की प्रभावी स्थिति के 5 आवश्यक तत्व होते हैं डी सही है। यंत्र जिनसे संदेश केवल सुने जा सकते हैं तो ऑडियो एड्स सी सही है इसमें। 98 मुख्य प्रभावों और सामरिक डिजाइन में बातचीत के सांख्यिक महत्व का आकलन करने के लिए किस सांख्यिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है सहसंबंध कोरिलेशन सही है। शायद इसमें कोरिलेशन सही नहीं है इसका आंसर नहीं हो पाया शायद 99 में देखते हैं। आर स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर के बड़े मूल्यों का अर्थ है कि अवलोकनों के बारे में अधिक बारीकी से समूहित किया जाता है तो इसका 80 होगा कम से कम एक वर्ग लाइन। और 100वां क्वेश्चन मात्रात्मक डेटा बाहरी से दूषित है तो औसत का सबसे अच्छा माप माध्य तथा मध्य का दोनों होंगे मीन एंड मीडियन बोथ। थैंक यू। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये जो पीजी में जो सब्जेक्ट होते हैं एग्रो सोइल एनिमल ब्रीडिंग हॉर्टी ये और ये यही सब्जेक्ट आते हैं इनमें एक्सटेंशन आते हैं तो यही आधार प्री पीजी में होता है तो उसके यही सब्जेक्ट आते हैं और यूपीएससी में अलग आते हैं तो उन वो ये वीडियो ना देखें अगर जो उनको पता लग गया है तो क्योंकि इसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। और कुछ सिलेबस के बारे में कहते हैं तो आप जो पीजी का सिलेबस है प्री पीजी एमएससी के लिए जो एग्ज़ाम होता है प्री टेस्ट उसका है वो ही है पूरा। थैंक यू।